ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम रिस्पांस एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पीक ओवरशूट और सेटलिंग टाइम, जो भी टाइम रिस्पांस के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी टाइम रिस्पांस के पैरामीटर हैं, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। सपोज मेरे हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसके जनरल इक्वेशन हमने पहले पढ़ ली है, ओमेगा एन स्केयर डिवाइड बाई स्केयर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्केयर। सपोज इसके ऊपर हमने कुछ इनपुट लगाई यू ऑफ टी, ठीक है, यूनिट स्टेप, तो यहाँ से एक आउटपुट आएगी सी ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक एनालिसिस है, मतलब मैंने आपको बताया था पहले सी ऑफ एस लिखेंगे, सी ऑफ एस क्या आएगा, इसका लैपलेस 1/s इंटू इसका लैपलेस, ये तो पहले से लैपलेस डोमेन में गिवन है, टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्केयर। फिर यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और फाइनली हमारे पास एक टाइम डोमेन रिस्पॉन्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्केयर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस कॉस इनवर्स जीटा। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, कहीं बुक्स में आपने लिखा देखा होगा, यहाँ पे ऐसा इसकी वजह ये होता है, या तो ये मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, टेन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्केयर डिवाइड बाय जीटा। एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम ना जीटा को कोस थीटा कोस फाई पुट कर लेते हैं, सपोज जीटा को कोस फाई, तो यहाँ पे ना मैं फाई लिखूँगा, मतलब सिंपल क्या होता है, सिंपल ऐसा होता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी। और अब देखो, अगर जीटा को मैं कोस फाई पुट करूँगा तो 1 माइनस जीटा स्केयर क्या बनेगा, साइन स्केयर फाई। ठीक है, रूट करने के बाद क्या बन जाएगा, साइन फाई, सिंपल। उसके बाद साइन ऑफ ओमेगा डी टी, ठीक है जी, ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है फाई किसके बराबर है, फाई यहाँ से देखो, फाई किसके बराबर है, कोस इनवर्स जीटा, या फिर फाई किसके बराबर है, टेन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्केयर अंडर द रूट डिवाइड बाई जीटा, एक ही बात है। तो ये आपके पास आएगा फाइनली, सी टी की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी अगर किसी को इसके अंदर डाउट है कि सी टी की वैल्यू, मतलब ये लैपलेस वगैरह कैसे सोल्व किया गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर किसी को है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे आया। ठीक है, अदरवाइज ये नॉर्मल डेरिवेशन होते हैं, कुछ मैनिपुलेशंस होते हैं, वो आपको बुक्स में मिल जाएगा, नॉर्मली सभी बुक्स के अंदर वो अच्छे से सॉल्व किया होता है। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हो यहाँ से, और इसके साथ यू टी भी है, भाई ध्यान रखना थोड़ा कि इसके साथ यू टी भी है लास्ट में, यहाँ यू ऑफ टी, ठीक है, यहाँ पे यू ऑफ टी भी है। तो सी टी, अब मैं अगर इसके, ये देखो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है साइन के साथ, तो अगर मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं सी ऑफ टी का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा ये। तो ये मान लो यहाँ पे, अभी पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, ऐसे ही करके ऐसे चला जाएगा, इस तरीके का ये रिस्पांस आप देख रहे हो। पहले एकदम से इसके अंदर ओवरशूट आया, ठीक है, ऐसे रिस्पांस ओपन हुआ, फिर वो धीरे 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 ऐसे नीचे की तरफ, मतलब आप देख रहे हो यहाँ से नीचे चला गया, इसको बोलते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी एनालिसिस है, ये एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया करने वाले हैं, जो किया अभी तक, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर अंडर डैम सिस्टम, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर जीटा लेस देन 1, 0 से ग्रेटर 1 से लेस। ठीक है, तो अंडर डैम सिस्टम की ही डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, अंडर डैम की ही डिस्कशन आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, और गेट में जो थोड़ा बहुत डिफरेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इस टाइप का आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर आप देखो ना, ये रिस्पॉन्स ऐसे जा रहा है और ये टाइम है इनफाइनाइट टाइम, जब मैं टी को इन्फिनिटी पुट करूँगा, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दूंगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट 0 बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये फाइनली 1 को अप्रोच करेगा ऐसे। अब इसमें ये इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे रिस्पॉन्स 0 है, 0 से ये 1 हुआ, 1 से फिर कुछ बड़ा, फिर ऐसे डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। यहाँ से जब जिस टाइम के अंदर ये 0 से 100%, 100% मतलब 1, ठीक है, जितने टाइम के अंदर 0 से 100% हो जाता है, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग राइज टाइम, टी आर से इसको डिनोट करेंगे। तो राइज टाइम इज द टाइम इंटरवल, या फिर द राइज टाइम इज द टाइम एट विच
ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे एट विच नहीं, क्योंकि ये तो सारे टाइम राइज टाइम को ही डिफाइन करेंगे। मतलब ऐसा होता है कि जो आपका रिस्पॉन्स है 0 से 100% होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है ना, 0 से 100 फर्स्ट टाइम 0 से 100% होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड राइज टाइम। फिर आप देख रहे हो ये ना रिस्पॉन्स एक अपनी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है ओवरशूट। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसे मिनिमा आ रहे हैं, मैक्सिमा ये भी मैक्सिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा, इनको बोलते हैं ओवरशूट, इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट, इनको बोला जाता है अंडरशूट। ठीक है, ये पी ओवरशूट्स हैं, ये आपके पास अंडरशूट्स हैं ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं अंडरशूट अंडरशूट, और इसको बोलते हैं ओवरशूट ओवरशूट। ठीक है, और इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी, एक तो हमने ये, इसका मतलब क्या है कि ये सी टी की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि जितनी भी आई है। ठीक है, और इस गैप को 1 से लेके जो ऊपर का गैप है, ठीक है जी, ये जो 1 से ऊपर का जितना भी गैप, क्योंकि 1 से जितना भी ऊपर चला गया, इस गैप को हम लिखेंगे एम पी, इस गैप को बोलेंगे हम, ये सॉरी ये ओवरशूट नहीं है, मैक्सिमम इसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी आई, और ये जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं ओवरशूट, कि 1 से कितना ओवर हो गया, कितना ऊपर चला गया। ठीक है, ओवरशूट इसको हम जनरली एम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं सी मैक्स लिखूंगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है इसको सी मैक्स लिखूंगा। और ठीक है, और अगर आप इनफाइनाइट टाइम पे देखो तो सी इनफाइनाइट की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो टाइम इनफाइनाइट टाइम पे सी की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि देखो 1 को ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा ये। अच्छा, ये सारा आपको समझ में आया, तो अभी पॉइंट हमने क्या क्या निकालना है। अच्छा, ये किस टाइम के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, उसको बोलते हैं टी पी, पीक टाइम। टी पी मतलब पीक टाइम, पीक टाइम मतलब कि उसके पीक्स कहाँ कहाँ पे है, ये पीक, ये पीक, ये पीक, ये सारे पीक्स हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए हम निकाल लेंगे टी पी, बाकी सभी के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको बट ध्यान रखना कि टी पी क्या आपके पास जहाँ पे ये ओवरशूट्स आ रहे हैं, ओवरशूट अंडरशूट ओवरशूट अंडरशूट ये सब। ठीक है, तो हमारे पास तीन चार स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और एक किस टाइम पे आएगी, वो हमारा मेन इशू रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब आपको बताया नॉर्मल मैथमेटिक्स है, सी टी इज इक्वल टू 1 - exponential - zeta ωnt डिवाइड बाय साइन फाई, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई। आपको पता है किसी भी चीज़ की मैक्सिमा निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर मैक्सिमा निकालना तो हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ सी टी डिवाइड बाय कर्ल ऑफ टी को क्या करेंगे, 0 के कुल कर लिया। यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले सकते हैं नॉर्मल डी सी बाई डी टी, उसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी डिफरेंस देखो, 1 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी, इस ये भी कॉन्स्टेंट है, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, टाइम के सिर्फ ये फंक्शन है, इनकी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया, ये इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, साइन की क्या बनेगी, कॉस, फिर आगे क्या लिखेंगे, ओमेगा डी टी प्लस फाई। ठीक है जी, साइन की कॉस बन गई और ओमेगा डी टी की ओमेगा डी आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मैं यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई एज इट इज़ आ गया। एक्सपोनेंशियल की क्या आएगी, सेम आ जाएगी यही माइनस ओमेगा एन ये, लेकिन इस टी का जो फैक्टर है कितना, माइनस जीटा ओमेगा एन, ये साथ में आएगा। ये सारा का सारा फैक्टर जो है ये 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं इस टोटल फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ से ये कॉमन आ सकता है बाहर, ठीक है, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं बन सकता ये, तो इसको मैं हटा दूंगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, अब देखो ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओमेगा एन अंडर द रूट 1 - zeta square, ठीक है, कोस ऑफ ओमेगा डी टी। और एक और चीज़, ये किस अगर मैंने 0 के कुल पुट कर दिया तो यहाँ टी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, टी पी से, क्योंकि हमें पता है कि ये जो काम हुआ है, ठीक है, ये जो काम हुआ है किस टाइम पे हुआ, टी पी, टी पी टाइम पे ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, टी पी टाइम पे ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जो टी यूज़ करना है अब टी पी बन जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी पी लिखूँगा इसको प्लस फाइव, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस जीटा ओमेगा एन साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। और आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं ओमेगा इनको भी बाहर निकाल दो, ठीक है, ओमेगा इनको भी बाहर निकाल दो। अब देखो मैं इसको ना साइन फाई पुट करूँगा, और इसको मैं लिखूँगा जीटा को कोस फाई। तो आप देखो साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट बी बन गया,
ये ए बन गया, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। तो साइन ए माइनस बी मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस बी मतलब टी पी, ठीक है। और ये माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, ये साइन माइनस भी बाहर निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ओमेगा डी टी पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन निकाली, साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब एन पाई आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से टी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। अब यहाँ पे एन के कोरस्पॉन्ड, अब देखो अगर मैं एन की वैल्यू वन पुट करता हूँ, ठीक है जी, तो एन की वैल्यू वन के कोरस्पॉन्ड ये वाला टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम, तो दिस विल बी पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है। अब जब मैं एन की वैल्यू टू पुट करूंगा, तो आप ध्यान रखना ये सेकेंड पीक ओवर शूट नहीं आएगा, इस बार अंडर शूट आएगा ये यहाँ, तो ये भी टाइम कितना आएगा, पाई बाय ओमेगा डी, और टोटल कितना बन जाएगा, टू पाई बाय ओमेगा डी। इसका मतलब ये हुआ एन इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, ये तो कोरस्पोंड करेंगे पीक ओवरशूट को, पीक ओवरशूट, ठीक है जी, यहाँ से तो बनेगा पीक ओवरशूट। लेकिन मैं अगर एन की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 2, 4, 6 इवन पुट करूँगा, तो ये आएगा ओवरशूट, सॉरी अंडरशूट, ये बनेगा आपके पास अंडरशूट। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछेगा कि थर्ड ओवरशूट के लिए, थर्ड ओवरशूट के लिए कितना टाइम लगेगा। तो थर्ड ओवरशूट आप देख सकते हैं, फर्स्ट ओवरशूट, सेकंड ओवरशूट, थर्ड ओवरशूट। थर्ड ओवरशूट के लिए एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करनी पड़ेगी, ना कि 3, कि अगर आपने एन की वैल्यू 3 पुट की तो वो सेकंड ओवरशूट होएगा। ऐसे वो कई बार क्वेश्चन पूछेगा सेकंड अंडर शूट, तो सेकंड अंडर शूट देखो यहाँ पे, सेकंड अंडर शूट कब आएगा, 1, 2, 3, 4, जब आप एन की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 पाई बाई ओमेगा डी बनेगा, उतने टाइम के अंदर सेकंड अंडर शूट आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन उसने कैसे पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर हो गया टी पी। अब आपको पता है टी पी के ऊपर ही इसकी क्या आएगी, टी पी की फर्स्ट वैल्यू मतलब एन की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्ड क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कर रहता हूँ, एन इज इक्वल टू 1 के लिए टी पी कितना बन जाएगा, पाई बाय ओमेगा डी, और इस पाई बाय ओमेगा डी के ऊपर, इस टाइम के ऊपर सिस्टम की, सॉरी जो सी टी की वैल्यू है वो क्या बनेगा, इसका मैक्सिमा बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सी मैक्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं उसको फंक्शन के अंदर, आपको पता है सी यहाँ पे द्वारा लिख लेते हैं, सी ऑफ टी की वैल्यू है कितनी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय साइन फाई, ठीक है जी, इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी प्लस फाई, ठीक है। इसका इसके अंदर हमने टी की वैल्यू क्या, टी पी की वैल्यू क्या पुट कर देनी है अब यहाँ पे, ठीक है, ये टी पी है ना, टी पी की वैल्यू कितनी है, ये भी टी पी बनेगा, टी पी की वैल्यू पाई बाय ओमेगा डी, ये मैं पुट करूँ अगर, तो देखते हैं इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स देगा ये। तो सी मैक्स कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन, टी पी की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है जी, डिवाइड बाय साइन फाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी, टी पी कितना आ जाएगा, पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है जी, प्लस फाई। अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ से ओमेगा डी कैंसिल होएगा, साइन पाई प्लस फाई, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये सी मैक्स कितना आ गया, 1 माइनस, ये देखो ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन पाई, ओमेगा डी की वैल्यू भी ओपन कर लेते हैं, ये ओमेगा डी आ गया, डिवाइड बाय साइन फाई। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हुआ इसके साथ, ये कितना बनेगा, साइन पाई प्लस थीटा कितना बनेगा, माइनस साइन थीटा, है ना, तो ये भी कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी मैक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आई मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रिस्पांस को ध्यान से देखें, जो रिस्पांस था हमारे पास कुछ ऐसे था, ये रिस्पांस, सॉरी ये गलत बन गया, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये इस टाइप, चलो ठीक है, जैसा भी ये रिस्पांस है, ये 1 है वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। तो आप देख रहे हो ये 1 है, ये 1 प्लस समथिंग है, तो इसका मतलब ये बीच का जो गैप है वो क्या है, वो ये है, इसको बोलते हैं ओवरशूट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरशूट। ओवरशूट कितना हुआ, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई। तो अगर आपसे वो ओवरशूट पूछे, ओवरशूट की वैल्यू पूछे, तो
तो ओवरशूट कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय अंडर द रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, ये बन गया ओवरशूट, ये बन गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसी में से कुछ पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ओवरशूट निकालो, अभी और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि और इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग गया कि ओवरशूट है कितना। अब जो पेपर के अंदर पूछा जाता है वो होता है परसेंटेज ओवरशूट, कि परसेंटेज ओवरशूट कितना है। अब देखो ये तो आपके पास है ओवरशूट, ठीक है, परसेंटेज का मतलब वन का जो आपके पास वैल्यू रिक्वायर्ड थी, ये वैल्यू थी ना यहाँ पे वन, इसके कितने परसेंट ऊपर गया वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परसेंटेज ओवरशूट, ओवरशूट परसेंटेज ओवरशूट, इसको जनरली परसेंटेज एमपी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, बुक्स के अंदर परसेंटेज एमपी, तो ये कितना आएगा आपके पास, इसको लिखते हैं हम लोग सी इन्फानाइट, ठीक है जी, सी इन्फानाइट, सॉरी सी मैक्सिमम माइनस सी इन्फानाइट डिवाइड बाई सी इन्फानाइट इंटू 100, क्योंकि देखो सी इन्फाइनाइट का ही तो परसेंटेज निकालना ना हमने, कि सी इन्फाइनाइट के कितने परसेंट ऊपर चला गया। अब सी इन्फाइनाइट है कितना, वन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सी मैक्स में से सी इन्फाइनाइट माइनस करूँगा, सी मैक्स में से सी इन्फाइनाइट माइनस करूँगा तो सिर्फ ओवरशूट बचेगा, और सी इन्फाइनाइट कितने, खुद से वन है, तो आपको लग रहा है कि परसेंटेज ओवरशूट कितना आ जाएगा, परसेंटेज एम पी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई, ठीक है, जीटा डिवाइड बाय अंडर द रूट वन माइनस जीटा स्केयर, ठीक है, वन माइनस जीटा स्केयर इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एम पी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है परसेंटेज ओवरशूट का क्या फॉर्मूला बन गया, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय अंडर द रूट वन माइनस जीटा स्केयर इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज ओवरशूट। अब हमने दो पैरामीटर निकाल लिए, परसेंटेज ओवरशूट निकाल लिया, पीक टाइम निकाल लिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर दो पैरामीटर जो राइज टाइम बच गया वो, और उसके बाद एक पैरामीटर होता है सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम और राइज टाइम दोनों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल से इन सभी पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।